नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है तो मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और मैं ये बना रही हूँ गोबर के कंडे। हमारे यहाँ पे दशहरे पे गोबर के कंडे बनाए जाते हैं और ये गिनती में 10 होते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस बार ये फेस्टिवल मैं अकेले ही मना रही हूँ क्योंकि मम्मी मामा जी के यहाँ पे गई हुई हैं और ये ऐसा पहला फेस्टिवल है जो मैं उनके बिना मना रही हूँ। और सच पूछे तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि जब बड़े लोग हमारे साथ होते हैं तो वो बताते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना है। वैसे मैंने उनसे फ़ोन पे पूछ लिया था और हर बार देखती भी हूँ, लेकिन फिर भी यही लग रहा है कहीं कुछ छूट ना जाए। और ये दोनों बच्चे टेबल के नीचे बैठे मस्ती कर रहे हैं। गाँवों में तो क्या होता है कि चारपाई बिछा के, उस पर कपड़ा बिछा के साइड में तब हम पूजा की तैयारी करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चारपाई नहीं है तो हमने टेबल के साइड में किया है। और मैं पूजा का सारा सामान कर चुकी हूँ। पूजा के लिए हम एक थाली में 10 कुल्लू रख लेते हैं जो मिट्टी की बनी होती हैं, तो हम हर बार 5 ही रखते हैं और 5 हम कटोरी रख लेते हैं। तो इन पे हम घील बताशे भरने से पहले जो 10 की 10 होती हैं सभी पे हल्दी और चावल से स्वास्तिक बना लेते हैं। ये स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम या तो रोली से या फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं, तो मैं हल्दी से बना रही हूँ। और उसके बाद हम इनमें खील बताशे भर लेते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो हम बहुत सारे भाई बहन होते थे और हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहा करता था कि जल्दी से पूजा हो जाए और हम अपनी कुल्लो उठा लें, कहीं ये कुल्लो कम ना पड़ जाए। मतलब खील बताशे अलग भी होते थे, लेकिन जो मज़ा उन खील बताशों को कुल्लो में खाने में आता था वो किसी और चीज़ में नहीं आता था। तो जब अभी हम त्यौहार करते हैं और ये कुल्लो खील बताशे देखते हैं तो अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी भी भूली नहीं जा सकती, और उससे जुड़ा कोई भी वाक्य जब हमारी आंखों के सामने आता है तो हमारा बचपन फिर से हमें याद आ जाता है। और मेरे भी दोनों बच्चे पूरी ताक में बैठे हैं कि कब पूजा हो और हम जल्दी से ये कुल्लो उठा लें। और वो तो अपना उधर मस्ती कर रहे हैं, वो राम और रावण बन रहे हैं और लगता है रावण की पिटाई कर दी राम जी ने। खैर, बच्चों की ये मस्ती तो चलती रहती है और इसको देखने में अपना मज़ा भी अलग ही है। तो पूजा की तैयारी मैंने लगभग पूरी कर ही दी है। आगे की पूजा तो मेरे हस्बैंड करेंगे क्योंकि जो मेन पूजा होती है वो तो लेडीज में साथ में बैठ तो जाते हैं, लेकिन पूजा का जो मेन काम होता है या तो उसे पंडित जी करते हैं या फिर जेंट्स लोग करते हैं। तो मैंने तो सारा सामान तैयार कर दिया है और उसके बाद में मैं जो थाली में ये नोटे रखे हुए हैं जो जौ से उगाए जाते हैं, देवी माँ के सामने भी उगाए जाते हैं, तो इनको मैं जो गोबर के कंडे बनाए थे इनमें सब में लगा दूंगी। ऐसा शुभ माना जाता है क्योंकि ये हरियाली का प्रतीक होते हैं। तो ये सारे जो नोटे हैं इनको मैं सारे कंडों में लगा दूंगी और जो हमने टेबल पे ये बुक वगैरह रखी हुई है उनके अंदर भी हम इनको रख देते हैं क्योंकि ये सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। तो जो सारी बुक हैं उनके अंदर भी मैंने एक एक दो दो करके रख दूंगी और आगे की पूजा मेरे हस्बैंड करेंगे। जब कोई भी पूजा हम शुरू करते हैं तो पहले हम लोटे में और जो बाकी चीज़ें होती हैं उनमें कलावा बांधते हैं, तो इसमें जो रही होती है उसको भी हम टेबल के ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले इसी में कलावा बांध रहे हैं और उसके बाद जल के लोटे में बांधेंगे और उसके बाद बच्चों के और अपने हाथ में। देखिए फ्रेंड, हर किसी के यहाँ पे त्यौहार मनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, तो हमारे यहाँ पे दशहरा ऐसे ही पूजा जाता है और मेरे मायके में भी ऐसे ही पूजा जाता है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे पूजा करने का कुछ और तरीका हो और सभी अपने तरीकों से पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें हम किसी के बारे में ऐसे नहीं कह सकते कि आप ऐसे कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। जिसके यहाँ पे जो भी कल्चर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना करता जाता है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होती है, तो हम लोग ऐसे ही दशहरे की पूजा कर रहे हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो दशहरे को दिन में पूजा के बाद रात में बड़ा इंतजार रहता था कि अब हम रामलीला देखने जाएंगे और वहाँ पे रामलीला देखने के लिए हम लोग ट्रैक्टर में इकट्ठे होकर सब लोग जाया करते थे। और सच पूछिए बहुत मज़ा आया करता था और वहाँ से लौटते हुए बहुत से टॉयज हम लेकर आते थे और सुबह उठ के देखते थे कि किस किस के क्या क्या टॉयज हैं, क्योंकि रात में तो काफ़ी लेट हो जाया करता था, थक के सो जाया करते थे।
और अब ये पूजा में सबसे बाद में जो एक टेबल रखी हुई है इस पर सामान रखा हुआ है, इसकी परिक्रमा करते हैं। आगे आगे जल का लोटा लेकर चल रहे हैं और पीछे बच्चे जो ये नौरते होते हैं इनको टेबल पर डालते जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके 5 या 7 चक्कर लगाने होते हैं और जो बाद में लोटे का जल है ये तुलसी में डाल देते हैं। और जो ये थाली में सामान है आटा वगैरह, इसको हम गाय को दे देते हैं। और जो ये खील बताश हैं इनमें से एक गाय को देते हैं, बाकी बच्चों को बांट देते हैं, बच्चे खा लेते हैं। और इसके बाद ये जो होता है ये कहते हैं कानों पे नोरते रखना, ये जो बहन होती है अपने भाई के कानों पे नोरते रखती है, तो ये सिया ओम के कानों पे रख रही है। ओम को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वो अभी ठीक से रख नहीं पा रही, तो मैंने उसकी थोड़ा हेल्प की है। तो ये मतलब एक तरह से जो नोरते होते हैं ये हरियाली यानी कि सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। और देखिए ये देखिए ओम शैतानी कर रहे हैं, तो हैप्पी दशहरा। और इसमें नौरते रखने के बाद भाई अपनी बहन को शगुन के तौर पे कुछ देता है, तो यही ओम कर रहे हैं, वो सिया को दे रहे हैं। और दोनों बच्चे पूरे खुश हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो गई और बच्चे अभी ये अपने खील बताशे खाने शुरू कर रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आज के दिन खाने में दाल चावल और लौकी का रायता बनता है। हमारी दादी कहा करती थी कि पूजो पायता और पियो रायता, तो वही बनता है। और इसी से मैं अब माता रानी का भोग लगाऊंगी और उसी के साथ माता रानी का विसर्जन हो जाएगा। तो जो दाल चावल और रायता हमने बनाया है उसी से माता को भोग लगा रहे हैं और इसके बाद हम माता रानी को आज विसर्जित कर देंगे। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैंने अभी अपना चैनल नया नया स्टार्ट किया है, हो सकता है मेरी वीडियोज में बहुत सी कमी हो, तो प्लीज़ उन कमियों को इग्नोर करें और अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही मुझ पर बनाए रखेंगे तो हमारा ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी माता रानी को विसर्जन के लिए तैयार कर दिया है और अब इनको हम जल में प्रवाहित कराएंगे। तो शायद आपके यहाँ भी ये तो इस तरह से ही होता होगा। और ये बच्चे अपना खील बताशे खाकर खुश हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पर खाने पर दाल चावल और रायता बनता है, तो अब बच्चे और हम सब उसी को खाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।